जो अंतराल तय करे वो रिश्ता नहीं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ विश्वास की नोक पर बनते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी रही थी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बंदनी की, जो कि छोटे पर्दे पर काफी हिट रही थी। वहीं हाल ही में कलर्स पर प्रसारित हुआ शो मालकी में भी हमें सामाजिक व्यवस्था पर आधारित एक और जबरदस्त कहानी देखने को मिल रही है। जहां बंदनी सीरियल ने उस वक्त सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, तो वही मालकी सीरियल एक बार फिर दर्शकों के बीच एक नई कहानी को लेकर आया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपनी कहानी के लिए मशहूर इन दोनों सीरियल्स में से कौन सा सीरियल दर्शकों के बीच एक नई पहचान बनाने में बाजी मार पाया है, किसकी कहानी को किया है दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद, और कौन सा शो रहा है दर्शकों के दिलों को जीतने में कामयाब? आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। बंदनी और मौलकी सीरियल का एक दूसरे से कंपेयर करके जिसे अंत में आपको बताएंगे कि किस सीरियल ने मारी है दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने में बाजी, तो चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इन दोनों ही सीरियल के लिए एक लाइक तो बनता है। शुरुआत करते हैं साल 2009 में इमेजिन टीवी पर प्रसारित हुए सीरियल बंदनी से, जिसने तकरीबन 3 सालों तक दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट किया था। ये सीरियल राजस्थान के ग्रामीण परिवार से ताल्लुक रखने वाली संतु नाम की एक छोटी लड़की पर आधारित था, जो विपरीत परिस्थितियों की वजह से अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाल विधुर धर्मराज महिवंशी के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है, जो उम्र में संतों से डबल के साथ साथ पहले से ही 4 बच्चों का पिता होता है। इसी कहानी को खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया था अभिनेत्री आजिया काजी और रोनित रॉय ने, जिनकी इस अंतराल वाली जोड़ी ने दर्शकों से खूब सुर्खियां बटोरी थी। साथ ही सीरियल में नजर आए दूसरे कलाकारों ने भी सीरियल को इतना ज्यादा रोमांचक बना दिया था कि हर एक शख्स की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ बंदनी सीरियल का ही नाम था। अब बात करते हैं कलर्स चैनल पर प्रसारित हुए नए रोमांचक सीरियल मौलकी के बारे में, जिसका फर्स्ट एपिसोड 16 नवंबर 2020 को टेलीकास्ट किया गया था। ये सीरियल रात 10 बजे कलर्स पर दिखाया जाता है, जिसकी कहानी में हमें एक हरियाणा परिवार से ताल्लुक रखने वाली गरीब लड़की पूर्वी की जीवन रेखा देखने को मिल रही है, जो अपने पिता के ऊपर कर्जे के बोझ को मिटाने के लिए अपने से अधेड़ उम्र के लड़के वीरेंद्र के साथ शादी के बंधन में बांध दी जाती है, जो शहर में पहले से ही किसी और से प्यार करता है। सीरियल की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पर्दे पर खूबसूरती से उतार रहे हैं अभिनेता अमर उपाध्याय और प्रियल महाजन, जिन्होंने बेहद ही कम समय में दर्शकों से खूब सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है। लेकिन अगर बात करें मौलकी और बंदनी सीरियल में से कौन सा रहा है दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब और किसने जीता दर्शकों का दिल, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफलता की इस दौड़ में दर्शकों के दिलों में जिसने अपनी एक खास जगह बनाई है वो सीरियल बंदनी ही है, जिसका अंदाजा आपने खुद ही लगा लिया होगा कि और ऐसा ही सीरियल है। क्योंकि मौलकी सीरियल की कहानी को देखकर कई लोगों का मानना है कि मौलकी सीरियल में जिस कहानी को पेश किया गया है वो हूबहू बंदनी सीरियल की ही कहानी है, जिसमें राजस्थान के गांव को हटाकर हरियाणा के गांव को ऐड किया, स्टार कास्ट बदल दी गई, बाकी हर एक चीज कॉपी की गई है, और इसलिए दर्शकों ने ना तो मौलकी सीरियल के प्रोमो को अपना कुछ खास रिस्पांस दिया और ना ही इस सीरियल को दर्शकों द्वारा उतना पसंद किया जा रहा है जितना कि बंदनी सीरियल को किया गया था, जहां बंदनी सीरियल ने तकरीबन 3 सालों तक दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट किया था। तो लगता है कि मौलकी सीरियल 6 महीनों तक ही टीवी पर टिक पाएगा। तो दोस्तों, आपको बंदनी और मौलकी सीरियल में से कौन सा सीरियल पसंद आया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।